फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं MIT का डेफी प्रोडक्टर जो है वो काफ़ी शानदार है, और यहाँ पर आप अपने एनालिसिस, अपने प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अपने पैसों को 150% कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं प्रोडक्शन हिस्ट्री में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको 78 CR 28 12341.7208 टोकन्स। यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 दिन ट्रेड लगाया हुआ है, 2 दिन बिड लगाया, और दोनों दिन मैंने सर यहाँ पर विन किया है, जिसके वजह से मेरा प्रिंसिपल और प्रॉफिट दोनों मिलाकर के यहां पर अभी मैं क्लेम करूंगा। तो आपको क्लेम करने के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि इसमें आप जो है सो बिड कैसे लगा सकेंगे। तो आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। हाँ, बिड लगाने के लिए आपको यह करना होता है कि आपको एक फर्स्ट टाइम रेफरल लिंक का नीड पड़ता है आपको। तो आप अपने अपलाइन को कॉन्टेक्ट करिए और उनसे अपना रेफरल लिंक लेकर के, और दोस्तों जो है आप ट्रेड लगाइए। कैसे लगाना है मैं बता दूंगा। अगर आपको रेफरल लिंक नहीं मिल पाता, आप पहली बार वॉच कर रहे हैं, आप नए हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके भी आप वहां से लिंक के ऊपर क्लिक करके और आप जो है यहां पर ट्रेड लगा सकते हैं, बिड लगा सकते हैं, और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग सिंपल एनालिसिस क्या करना होता है। सिंपल में आप ये देख सकती है मार्केट है, और ये मैं बता दूं दोस्तों ये कोई गेम नहीं है, ये एक तरह से सर मार्केट एनालिसिस करने के लिए आपको एक बेस्ट इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा यहां से। तो इसको जरूर ट्राई करना चाहिए हर किसी को। और यहाँ पर जो है आप ये चार्ट के माध्यम से आपको लगता है कि मार्केट अप जाने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरीडे जो है रेंज दिया हुआ रहता है। जैसे कि आज का जो भी बीड लगा रहे हैं लोग, तो आज का जो रेंज दिया हुआ है हाई में वो 0.70 के बाद 3 है, और सबसे लो जो दिया हुआ है 0.70 के बाद 2.8 है, और मिड में जो है दोस्तों मिड रेंज एरिया जो है आपका वो 0.7028 के बाद से लेकर के 0.703 के बीच में अगर रहता है तो ये है। तो आपको अगर लगता है कि नहीं एबव जाने वाला, मतलब ऊपर जाने वाला मार्केट यानी कि 3 को टच करने वाला है, तो आप एबव में लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नीचे जाने वाला है तो आप बिलो को लगा सकते हैं, और आपको लगता है कि इस रेंज एरिया के बीच में रहने वाला है तो आप मिड लगा सकते हैं। जैसा कि कल जो बिड लगा हुआ था दोस्तों, मैंने मिड में लगाया हुआ था, और जो है कल हमने विनर बना, तो यहाँ पर उसी प्रॉफिट जो है हमें आ चुका है। अभी मैं क्लेम करूंगा तो ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा और अगेन मैं लगाऊंगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, आप अपने एनालिसिस का अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्शन का अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर डेली विनर बन सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि कोई भी परफेक्ट हर तरह से नहीं होता परिपूर्ण, और हर मतलब एवरी डे से उसकी एनालिसिस जो है 100% है। हालांकि मैंने 2 दिन लगाया तो 2 दिन विनर बना हूं, और हो सकता है कि कल विनर ना बने, क्योंकि मैदान में जब भी दो प्लेयर, दो पक्ष उतरते हैं गेम खेलने के लिए, तो दोस्तों जीतने का इच्छा दोनों पक्ष का होता है, दोनों लोग चाहते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन ये सच्चाई से कभी भी किसी को मुकरना नहीं होता है कि दूसरा विनर तभी बनता है जब एक हारता है। मतलब हम तभी जीतेंगे जब अगला हारेगा, या तो अगला जीतेगा तो हमें हारना ही पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन कभी फेल होता है, बट कभी भी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, अपने सूझबूझ के साथ जो है से दोबारा ट्राई करना चाहिए। तो आज हमारे 3रे दिन होगा दोस्तों जो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, और मैं कल देखूंगा कि रिजल्ट क्या होगा। तो चलिए कैसे लगाना है उसकी प्रोसेस मैं बताता हूँ। बाकी यहाँ पर बहुत सारा शेड्यूल्स वगैरह दिया हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बता दिया था आपको। अगर आपने वॉच नहीं किया होगा तो आप को इसी चैनल में आपको जो है पिछले वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले क्लेम करता हूँ रिवार्ड को। तो हमने यहाँ पर क्लेम पर टच कर दिया है, उसके बाद जो है हमें एक्सेस देना है ट्रस्ट वॉलेट का, वहाँ पर अप्रूव करना होगा। हाँ, इन सभी प्रोसेस को करने के लिए आपके पास थोड़ी सी BNB होना चाहिए नेटवर्क फी के लिए, और ट्रेड लगाने के लिए मिनिमम $5 या तो $10 का आपके पास MIT होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा क्लेम हो चुका है, आप देख सकते हैं यू हैव 0 रिवार्ड हो गया। हाँ, नीचे जो आपको दिख रहा है दोस्तों ये मेरा रेफरल बना हुआ है, ठीक है। तो रेफरल को अभी मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जो क्लेम किया हूँ ओनली फॉर जो हमने बिड लगाकर प्रॉफिट गेन किया उसको मैंने लगाया। अब ये देखते हैं कि हमारे वॉलेट में क्रेडिट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर मैंने आया, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो दिख रहा है मेरे पास फंड वो ओनली फॉर $5.77 के MIT दिख रहा है। बट इसको हम अभी रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों $26.72 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी अच्छा खासा विन किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि $10 का बिड लगाते हैं तो $15 आपका हो जाता है टोटल, यानी कि $5 प्रॉफिट गेन करते हैं, और 5 लगाते हैं तो 7.5। तो मैंने यहाँ पर 2 बार बिड लगाया, मैंने बताया आपको, एक मैंने लगाया था फर्स्ट वाला वो $5 का था,
और सेकेंड वाला मैंने लगाया था वो $10 का, तो टोटल हमारा जो कैपिटल था वो 10 और 5 $15, लेकिन यहाँ पर अभी हो चुका है लगभग लगभग $22 समथिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ 21 पॉइंट कुछ, यानी कि लगभग लगभग जो उसका है उसको 150% हमने गेन कर लिया, और $5 मेरे पास वॉलेट में पहले से था, जिसके कारण दोस्तों मेरे पास अभी 26 डॉलर यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए मैंने दोबारा मैं ट्रेड लगाता हूँ। दोबारा लगाने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ डिस्कवर पर आना है, और आपको यहाँ पर आप यहाँ के माध्यम से भी आप जा सकते हैं, और आपके हिस्ट्री में है, या तो फिर डायरेक्टली जो आपके व्हाट्सएप में ब्राउजर होता है तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से डिस्कवर के माध्यम से यहाँ से आ गया, और यहाँ सबसे पहले आपको इस तरीका से आपको दिखेगा और वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो कनेक्ट वॉलेट पर आपको टच करना है सिंपल, और उसके बाद आपको एक्सेस देना है ट्रस्ट वॉलेट को, और यहाँ पर अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद जो है आपको ट्रेड लगाने का ऑप्शन जो है यहाँ पर खुल जाएगा। तो इस तरीका से यहाँ पर करना है। चलिए मैं प्रोसेस को कंटिन्यूस कर रहा हूँ, और आप अच्छे से वॉच कंटिन्यू करते जाइए, और इस तरीका से कनेक्ट पर आपको टच करना है, और यहाँ पर थोड़ी देर में जो है आपका कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका नेट सही रहेगा तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा, अगर नेट वीक रहेगा तो थोड़ा यहाँ पर टाइम ले सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर नीचे आते हैं, मेरा वॉलेट जो है ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, और अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, और बिड लगाने के लिए सिंपल आज मुझे ऐसा लगता है भाई, हमें देख करके ये मत सोचना कि मैं जो लगा रहा हूँ वही लगाना, आप ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन भी फेल हो सकता है, तो आपको अपने प्रोडक्शन के अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग लगाना है आपको। तो चलिए आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट जो है मार्केट जो है अभी तो यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है आज दोस्तों, मैं आज फिर मैं अगेन मिड में सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने प्रोडक्शन अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा, और आज मैं ओनली फॉर फाइव, मैं फाइव ट्राई करूँगा, ठीक है, फाइव ट्राई करने जा रहा हूँ। और उसके बाद जो है सिर्फ आपको सिंपल ऐसे सेलेक्ट करना है, अगर आपको लगता है कि अपर जाने वाला है तो अब, या बिलो जाने डाउन जाने वाला है तो बिलो में, या तो आपको इस रेंज पॉइंट में रहने वाला है तो आपको मिड सेलेक्ट करना है। उसके बाद 5 या 10 USDT में जो भी आपको लगाना है, चलिए मैं 10 लगा देता हूँ, ठीक है। तो 10 पर हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद प्लस ऑर्डर पर सिंपल प्रेस करना है, मतलब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पर, और यहाँ पर जो है आपको थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद अप्रूव करना है, फिर प्रोसीड एनी वे। मैं लगाया हूँ क्योंकि मैं 2 दिन विनर हूँ, तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे भी विनर बन जाऊँ, और नहीं भी बनूंगा तब भी मैं मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि 2 बार मैंने विन किया है, और कंटिन्यू बने रहेंगे हम लोग। तो अप्रूव हमने कर लिया, इस तरीका से आपको करना है। आप देख सकते हैं प्रोडक्शन प्लेस सक्सेसफुली, ये ऑलरेडी हमारा लग चुका है दोस्तों, और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं प्रोडक्शन हिस्ट्री में आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी आपका ये जो है सो ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है योर प्रोडक्शन इज इन बिटवीन लिमिट योर डिपॉजिट, इज इतना अमाउंट हमने डिपॉजिट किया हुआ है, अगर विनर बनेंगे तो कल जो है सो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है सो यहाँ पर हो चुका है, नीचे रिवार्ड्स है, और बाकी ये टाइमिंग आपको पता ही है कि ये टाइमिंग जो है ट्रेड लगाने का जो होता है आपका शाम 5:30 बजे से लेकर के सुबह 5:30 बजे तक आप लगा सकते हैं, और जो रिजल्ट आना होता है उसकी जो टाइमिंग है 12 बज दोपहर 12 बजे से लेकर के 4:59 के बीच में आपको रिजल्ट मिलेगा। और एग्जैक्ट जो रिजल्ट मिलता है, मतलब इसमें आपका वो रिजल्ट का टाइमिंग होता है, रिजल्ट जॉन होता है, और यहाँ पर जो आपको होता है रिजल्ट टाइमिंग एग्जैक्ट वो होता है आपको 5 बजे, और फिर आधे घंटे के बाद आप दोबारा आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और इस तरीके से आप भी ट्राई करके अपना एनालिसिस अकॉर्डिंग प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।